तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इससे मिलिएगा, ये है जिम्मी, इसकी दूसरी वीडियो है, ठीक है। पहली वीडियो में आप देख रहे थे जिम्मी को, देखिए जिम्मी थोड़ा अलर्ट है और थोड़ा सा जैसे कंट्रोल आ गया। पहले क्या है, कैमरे से शूट भी नहीं करने दे रहा था, अब थोड़ा कंट्रोल आ गया। तो यही हमें मेन लेके आना था इसमें। तो जितना इसमें सुधार आया, देखते पहले चलने का तरीका, पहले क्या था, खींच रहा था बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि कैमरे की वजह से इनको देख रहा है बार बार। लेट्स गो जिमी, लेट्स गो, कम हियर, गुड बॉय, शाबाश, लेट्स गो। तो मतलब चलने में काफी सुधार आया, नॉर्मली ऐसे चल रहा है, देखिएगा। पहले थोड़ा सा पुश कर दो, लेट्स गो जिमी, टेक इट, गुड बॉय, ऐसे चल रहा है, देखिएगा। और टर्न टर्न जिमी, टर्न, गुड बॉय। तो थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब ट्रेनिंग की जो लैंग्वेज है, स्टॉप, सिट, तो समझने लगा है, ठीक है। इसके साथ एक कंट्रोल आया, ये की बहुत अच्छी चीज़ है कि स्टे कमांड, स्टे कमांड, जैसे बार बार उठ के भाग रहा था, स्टे, वेट, स्टे, थोड़ा दूर भी जाने दे रहा है, जाने दे रहा है दूर, तो ये इसके अंदर सुधार आया। तो स्टे, जैसे अगर बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है तो स्टे कमांड बहुत जरूरी है। स्टे की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है, उनको देख सकते हो प्रॉपर सिखाने के लिए। अदरवाइज स्टे सिखाना है आपको तो क्या करना है, डॉग को प्रॉपर बैठाया, स्टे, वैसे एक थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाता हूँ इसको, ठीक है। जैसे पहले आपने कुछ स्टेप दूर लिए, डाउन में भी करा सकते हो स्टे, सिट में भी करा सकते हो, तो एक दो स्टेप दूर लोगे, ठीक है, फिर पास आ गए, फिर इसको ट्रीट कर दिया, गुड बॉय, शाबाश। अभी फिलहाल मेरे पास ट्रीट है नहीं, तो बिना ट्रीट के केवल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। आप ट्रीट दे सकते हो, ट्रीट को शो नहीं करना है, पॉकेट में हिडन रखनी है, ठीक है। तो ये बेसिक होते हैं, ये तो मैं बताते रहता हूँ हर वीडियोस में। अब थोड़ा और दूर गए, स्टे स्टे स्टे, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो वो दिन बाय दिन सुधार आता है। ये काफी दिनों की प्रैक्टिस है जो मैं जा पा रहा हूँ। पहले क्या होता था, जैसे बैठा तुरंत एक कदम लेते ही वो भी पीछे आ रहा था, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। पास आए, गुड बॉय, शाबाश, फिर ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, दो चार स्टेप में आप देख लीजिएगा। पहले ये पीछे इसके जो डॉग एक बार कर रहा है, इसको देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता था, तो इसमें भी काफी सुधार आया, देखिएगा। अभी वो चीज मैं दिखा रहा हूँ, लेट्स गो, गेट अप, जैसे गेट अप, कैमरामैन पास में आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा गेट अप, बॉय, गेट अप, लेट्स गो, गुड, शाबाश, गुड, शाबाश, लेट्स गो। अब जो वर्ड्स होते हैं बोल लेते रहना चाहिए, गेट अप, हमें ये नहीं सोचना कि डॉग को नहीं आता है तो हम नहीं बोले, नो, डोंट पुल, स्टॉप, सिट हियर, जैसे ये वाला डॉग अंदर है, एक जर्मन शेफर्ड है, सेम ये भी, स्टॉप, सिट, नो बॉय, नो नो नो, रिलैक्स, नो नो नो, इसको कंट्रोल करना है आपको, इसका बिहेवियर ना, जब वो बात कर रहा है तो दूसरे डॉग के साथ ऐसा होता था, इसको कंट्रोल करना है कि दूसरे भौंकने पे फर्क ना पड़े, आपके साथ प्रॉब्लम होती हुई वो बात कर रहा है दूसरा डॉग, तो आपका भी ऐसे बार किया इसने, नो, गुड बॉय, रिलैक्स, नो, उसको अनदेखा करवाना है, इग्नोर करने की आदत डालनी है कि तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। तो बोलना है, बताना है, समझाना है, इधर आओ, गुड बॉय, शाबाश, रिलैक्स, नो, हे, नो, लेट्स गो, नो, उसको मना करके लाना है कि तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं शो करना है, तो आपके डॉग के अंदर कंट्रोल आ जाता है, दूसरे डॉग के ऊपर देख के भागता नहीं, कोई डॉग बार नहीं कर रहा होगा तो वो इससे कामली खड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने डॉग की आदत अच्छी डालनी है, दूसरे डॉग के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि दूसरा कंट्रोल हो, आपका डॉग कंट्रोल में तो आप उसे बचाव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। स्टे बॉय, स्टे, कई कई बार लोग, नो, स्टॉप, गुड, स्टे, स्टे, गुड, कई कई बार लोग इंतजार करते हैं कि दूसरा डॉग कर रहा है, ये तो भौंकता भी नहीं है, तो एक्साइटमेंट दिखाते हैं डॉग को, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड करते हैं कि ये भी बार्क करे, रिप्लाई करे, डॉग को फाइट करवाने की कोशिश करते हैं, नहीं, अपने डॉग को कंट्रोल रखें, क्योंकि जर्मन शेफर्ड, रॉटवेलर ऐसी एग्रेसिव ब्रीड होती है, एक बार एग्रेसिव होगी तो हाथ से निकल जाती है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो दूसरी क्लास में मेरा यही था कि आपको दिखा दूं थोड़ा कितना कंट्रोल आया। ये देखिए डॉग बैठा हुआ है फिर भी पास नहीं जाएगा, स्टे, भले ही वो मुंह से थोड़ा सा बार्क कर ले, ठीक है, स्टे, अब इसको बुलाऊंगा, कम हियर, गुड बॉय, इसको पास भी बुला लिया, ठीक है, गुड, शाबाश। तो इतनी चीजें ये समझने लगा है, इधर उधर भाग नहीं रहा है, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं पहले वहां भागता था दूसरा डॉग, तो आ रहा है सुधार धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा तो और चीजें भी ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलने का तरीका इसका वो बदला है काफी, भले ही खींचे थोड़ा बहुत, मगर वो समझता चीजों को, नो बोलने पे, ठीक है, नो। बीच में एक अच्छी चीज है जिम्मी के अंदर कि कुछ भी गंदी चीज पे मुंह नहीं मारता, ये शुरू से ही, ठीक है। तो आपको डॉग अगर कर रहा है तो जैसे कहीं लगा है वो, नो, रिलैक्स, नो करके हटा दिया, जैसे स्निफ करे, नो, तो आप उस तरीके से छुड़ा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जिम्मी में पहले से कुछ सुधार देखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा है इसका, पहली वीडियो देखिए और इसमें क्या डिफरेंस है वो हमें बताइएगा। और इसके साथ अगर आपको कुछ अगर पूछना है और कोई और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो हमें सजेशन में कमेंट में बता सकते हैं, तो कोशिश करेंगे उस टॉपिक को हम कवर करें और उसमें वीडियो बनाएं। अगर आप चाहते हो अपने डॉग को घर पे खुद से सिखाना, अपने डॉग को बिना कोई ट्रेनर लगाए, बहुत इजी है, क्योंकि ऑनर से अच्छा कोई मालिक से अच्छा कोई ट्रेनर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे जो नंबर दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, इन पे हमें
मैसेज करना है और अपने डॉक्टर की वीडियो भेजने की हमें इसको सिखाना है, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है वो लिख के भेजिएगा, हम अपने पूरे कोर्सेज की डिटेल्स भेज देंगे आपको। उन कोर्सेज को आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के 15-20-25 मिनट डेली निकालोगे हमारे हिसाब से, तो डॉक्टर जैसा चाहे वैसा ट्रेन कर सकते हो, ठीक है? पूरी गाइडेंस हमारी रहेगी और अपने डॉग खुद से ट्रेन करेंगे, एक बात ही अलग आएगी, क्योंकि मालिक से अच्छा कोई ट्रेनर किसी डॉग के लिए नहीं होता है। तो मेक योर डॉग स्मार्ट विद स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। थैंक यू एंड बाय। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।